भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की जोड़ी एक साथ नजर नहीं आएगी, ये कितना सच है और कितना फसाना, आइए आज इस बात पे रोशनी डालते हैं। एक्चुअली ये खबर कहाँ से उड़ी इसकी भी पड़ताल करते हैं। कुछ दिनों पहले खेसारी लाल यादव लाइव आए थे, वो मेहंदी लगा के रखना 3 के सेट पर थे और वहीं पर उन्होंने एक्ट्रेस रितु सिंह का और उनके एक सॉन्ग जिसने 300 मिलियन व्यूज क्रॉस किए हैं उन दोनों का सेलिब्रेशन कर रहे थे। वहां खेसारी लाल यादव ने सभी को थैंक्स कहा, जो लोग मेहंदी पार्ट 1 में थे और जो लोग उनके साथ मेहंदी पार्ट 3 में है, सभी का। लेकिन नहीं थैंक्स कहा तो उन्होंने सिर्फ काजल राघवानी का। आपको बता दे कि मेहंदी लगा के रखना 3 में खेसारी लाल यादव, संजय रघुराज और रजनीश मिश्रा, इन तीनों की जोड़ी एक साथ फिर नजर आएगी। लेकिन नहीं नजर आएगा कोई इसमें तो काजल राघवानी। काजल राघवानी की मेहंदी लगा के रखना पार्ट 1 में एज अ लीड एक्ट्रेस होते हुए उनकी एक अहम भूमिका थी, लेकिन खेसारी लाल यादव ने न काजल राघवानी का शुक्रिया अदा किया और ना ही काजल राघवानी के बारे में कुछ कहा। बस यहीं से काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के फैंस ने, या यूं कह ले कि कुछ ऐसे लोगों ने जो कि इन दोनों की जोड़ी को शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में पसंद न करते हों, इन लोगों की तरफ से ये बात उठी कि अब ये दोनों की जोड़ी यानी काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव फिल्मों में साथ नजर नहीं आएंगे, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको बता दें कि भले ही मेहंदी लगा के रखना 3 में काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के साथ नजर नहीं आएंगे, लेकिन आ रहे नवरात्रि में काजल राघवानी लगातार स्टेज शो कर रही हैं बिहार में और इन सारे स्टेज शो में खेसारी लाल यादव उनके साथ होंगे। साथ ही साथ काजल राघवानी की कई ऐसी फिल्में हैं जो खेसारी लाल यादव के साथ हैं जो अभी आनी बाकी हैं। काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की फिल्म बागी को भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और बागी के अलावा काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव कई फिल्मों में और नजर आएंगे। इसके पीछे बागी फिल्म की प्रमोशन स्ट्रेटेजी भी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग आए देखने, इसके लिए इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाकर पीआर एजेंसियों के द्वारा फैलाई जा रही है न्यूज की काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव अब फिल्म में नजर नहीं आएंगे। लेकिन आप इन सब बातों पे बिल्कुल गौर मत कीजिए, क्योंकि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव कई ऐसी फिल्मों में और भी नजर आएंगे, कई स्टेज शो साथ करेंगे और आपका इसी तरह मनोरंजन करेंगे। जिन लोगों को ये लग रहा है कि इन दोनों की बागी आखिरी मूवी है, तो ये रिपोर्ट सिर्फ उन्हीं के लिए है।